निखिलेश जी ने एक पपी को देखा था जो कि खड्ड में गिर गया था और उसके पीठ पे चोट आ गई थी और जिसके कारण वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने हमें कॉल किया। जब हम उसको क्लिनिक लेके आए तो सबसे पहले तो हमने उसकी चोट की सफाई करी, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसके नर्व डैमेज है या स्पाइनल फ्रैक्चर। तो हमने उसको अगले दिन पालमपुर भेजने का डिसाइड किया। ये इसके लिए हीटर लगा रहे हैं रात को, उसको ठंड ना लगे। जोकर का कांगड़ा में ट्रीट ऑन स्ट्रीट चल रहा था, लेकिन हमें मालूम था कि उसको पूरा हील होने के लिए हमें उसको फार्म पे ही लाना पड़ेगा, मगर हमारे पास जगह ना होने के कारण हम उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए। अगले दिन अल्बर्ट पिंटो और हनुमान का रिलीज था क्योंकि वो पूरी तरीके से हील हो गए थे, तो हमारे पास जगह बन गई। और उसी समय हमें कांगड़ा से कॉल आया एक बुल के लिए, तो हम जोकर और उस बुल को रेस्क्यू करने के लिए निकल गए। हमने जोकर को तो रेस्क्यू कर लिया, मगर हमें वो दूसरा बुल नहीं मिल पाया, तो हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन जाके उसको फिर से ढूंढेंगे। जोकर के बैक फुट पे इंजरी थी, उसका जो हूफ वाला एरिया था वो कुछ एरिया नेक्रोस्ड भी था, उसमें मैगट्स भी पड़े हुए थे। सबसे पहले हमने एनएसएस को क्लीन किया था हूफ को पूरा, तो सारी जो मिट्टी वगैरह लगी थी वो सारी निकल जाए। उसके बाद जो मैगट्स दिख रहे थे हमने वो मैगट्स निकाल दिए थे सारे, और हमने मैगासाइड डाला था और बीटेडीन ऑइंटमेंट लगा के हमने उसको अच्छे से बैंडेज करके फिर शू भी पहना दिया एक। वो बुल मिला क्या? हाँ वो कॉल आई है अभी, तो देखो जा रहे हैं, वो रहे बांध रखा है उसने। अच्छा कौन कौन जा रहा है? लाल मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ। टेंशन तुम भी जा रहे हो? हाँ सर जी मैं गेट पे आ गया हूँ। चलो चलो बात उठा लो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ये जब आया तो हमने देखा इसकी ना पूंछ बिल्कुल छिली हुई है, तो या तो ये किसी गाड़ी से टकराया और ये सड़क पे घसीटा गया, या किसी ने इसको गुस्से में मारा, पर हम ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते। जो मैं एक पक्की बात आपको बता सकता हूं वो ये है कि ये जो छोड़े हुए पशु हैं इनका सड़कों पे आना बंद नहीं होगा, क्योंकि है क्या कि अब जैसे चूल्हे हैं तो अब गैस सिलेंडर आ गए हैं, तो चूल्हों में उपले जलते नहीं हैं। अब बहुत कम किसान बहुत सारी जनसंख्या के लिए खाना उगा रहे हैं, तो यूरिया का प्रयोग होता है, बैलों का प्रयोग नहीं होता, ट्रैक्टर का प्रयोग होता है, तो बैलों का कोई अब उपयोग रह नहीं गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्रगतिशील नहीं होना चाहिए या हमें सुविधाजनक चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, पर कहीं पर जिन पशुओं ने हमारा
सैकड़ों हजारों सालों से साथ दिया, कहीं पे हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए। पालमपुर से आने के बाद हमें पता चला इस पपी को कोई स्पाइनल फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन माइनर नर्व डैमेज है जो कि एक दो वीक्स के केजरस से ठीक हो जाएगा। इसको आए हुए एक हफ्ता हो गया है और हमने देखा है कि ये बहुत ही एक्टिव हो गया है और बहुत ही फ्रेंडली हो गया है और हमने इसका नाम कद्दू रखा है। Ah.